थी रेलवे स्टॉक्स को स्टॉक्स IRFC, इसने बनाया है एक बड़ा रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड क्या बनाया है, ये रिकॉर्ड तो बताएंगे वरुण, और उसके बाद हम सिद्धार्थ खेमका साहब के पास पहुंचेंगे रेलवे शेयरों पर राय लेने के लिए। बताएं तो अनिल जी, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, 2 लाख करोड़ के ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप जा चुका है और बहुत अच्छे दिन पे बनाया है, क्योंकि इस कंपनी का IPO आया था 18 से 20 जनवरी 2021 एग्जैक्ट। हाँ, तो एग्जैक्ट 2 साल पहले, नहीं 3 साल हो गया, 3 साल, हाँ 3 साल पहले, हाँ। तो एग्जैक्ट 3 साल बाद 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो इस कंपनी ने पार किया है, और अगर आप देखेंगे तो केवल 15 ट्रेडिंग सेशन में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो जुड़ा है इस कंपनी से, यानी कि 75% के आसपास की रैली देखने मिली है। पिछले 1 साल में कंपनी का मार्केट कैप जो है उसमें 5.25 गुना के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज से 3 साल पहले IPO आया था, IPO भरना भी मुश्किल हो गया था, कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो महज 3.5 टाइम्स का था, और उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो IPO प्राइस के आसपास ही कंपनी ट्रेड करती रही। इनफैक्ट 2.5 साल तक 25 से 35, ये 10 रुपये की रेंज थी जिसके बीच में कंपनी ट्रेड करती थी। उसके बाद जो चलना शुरू हुआ है तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, केवल 5 महीने में 4 टाइम्स जो रैली है वो इस कंपनी ने दिखा दी, इस तक की तेज़ी इस कंपनी में हुई। जैसे कि मैं कह रहा था कि IPO भरना मुश्किल हो गया था, तो सबसे ज़्यादा अगर इस कंपनी में किसी ने कमाया है तो वो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने है, क्योंकि पूरा IPO जो है मेजोरिटी पैसा उनने लगाया था, एम्प्लॉयज़ का जो कोटा था करीब 44 टाइम्स जो है वो एम्प्लॉय का कोटा भरा था। अब ये चल क्यों रहा है, क्योंकि रेलवे का केपेक्स बढ़ रहा है, पिछले साल भी बढ़ा था और आने वाले दिनों में भी रेलवे में केपेक्स में बढ़ोतरी का अच्छा खासा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके कारण ये बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप सारे रेलवे स्टॉक्स को जोड़ भी लेना तो उससे ज़्यादा अकेला मार्केट कैप इसका है, क्योंकि इसका जो सबसे नियरेस्ट है IRCTC है, 81,000 करोड़ रुपये के आसपास का मार्केट कैप है, और सबको आप जोड़ लीजिए, दूसरा बड़ा RVNL है 66,000, बाकी सबको भी जोड़ लेंगे तो इतना मार्केट कैप इस कंपनी के जितना मार्केट कैप इनका भी नहीं है। जबरदस्त मोमेंटम है अनिल जी, 2 साल से तो आपके कन्विक्शन लिस्ट में रहा है। कई सारे रेलवे स्टॉक्स मुझे याद है, IRFC 26 रुपए में IPO आया था, तब भी आपने कहा था पैसे लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। देखिए 26 रुपए वाला IPO अब 176 पर ट्रेड कर रहा है। बाकी रेलवे स्टॉक्स भी हैं, अभी रिसेंटली दिवाली के वक्त रेलटेल पर भी आपकी रिकमेंडेशन आई थी, उसने भी कमाल कर दिया। तो सारे रेलवे स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन, एक बार देख लेते हैं रिसेंटली रेलटेल पर क्या सलाह दी गई थी। इस सेक्टर पर लगातार दीप हम बुलिश रहे हैं और पिछले साल 1.5 साल से हम लगातार कह रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनेगी और काफी तेजी बनी भी है। रेलटेल में ये मिनी रत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। सरकारी क्षेत्र की ये स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी, अभी भी आगे चलते हुए इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है 2 स्पेस में, एक वाईफाई, सारे स्टेशन की वाईफाई करने की जो बात हो रही है वो, और दूसरा डेटा सेंटर, बड़ा काम डेटा सेंटर में रेलटेल करता है। लक्ष्य 300 रुपये का रखिए अभी रेलटेल, जो हमारी दिवाली पिक थी, दिवाली ऑफर जो हमने वो रिकमेंड हुआ था 2 नवंबर को, 221 रुपए पर आज 413 रुपए, दुगुना हो चुका ऑलमोस्ट 2.5 महीने में। दो सौ इक्कीस के लेवल पर था, आज देख लीजिए अनिल जी, एग्जैक्टली डबल दिवाली से अब तक, डबल हम तो अगली दिवाली तक सोचे थे। रेलवे वाली कंपनी में, डिफेंस वाली कंपनी में जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और जहां जहां एग्जीक्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये सारे स्टॉक से आज देखिए आप कौन देखिए 17-18% ऊपर है, मतलब कौन सा रेलवे स्टॉक उठा के देखे जो नहीं चल रहा, और बजट आ रहा है आपके सामने और देखिए आप पूरा फोकस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार क्या करेगी, हाईवेज बनाएगी, फ्लाईओवर्स बनाएगी, रेलवे पर खर्च करेगी, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, यही होने वाला है। एक बार जरा सिद्धार्थ खेमका साहब हैं हमारे साथ, उनसे एक बार रेलवे स्टॉक्स पर भी राय ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उनसे राय ली जाए, बताएं सर कहां आपको मौके नजर आते हैं। अनिल जी देखिए, आप रेलवे पे बहुत ज्यादा जो आपने ऑलरेडी बात किया है, तो हमारे यहाँ रामदेव जी एक बात बोलते हैं कि इंडिया इज अ फास्ट ट्रेन, डोंट स्टैंड अगेंस्ट इट, मतलब एक बहुत ही तेज चलने वाली रेलगाड़ी है इंडियन इकोनॉमी, आप उसके अगेंस्ट मत करिए, उसके साथ चलिए। तो ये रेल सेक्टर है जो गवर्नमेंट के बाकी जो सेक्टर्स है, डिफेंस, रेलवेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो काफी बड़ा दिखाया है लास्ट पिछले कुछ सालों में। गवर्नमेंट ने बहुत फोकस दिया है रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन पे, जो रेल लोकोमोटिव है वहां पे आप देखें, जो आज वंदे भारत ट्रेन है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लेकर आया है,
और अब यहाँ से जो एक्सपेंशन है, जो नए ग्रोथ प्लान्स हैं, जो गवर्नमेंट अब बात कर रही है नए 300-400 जो नए वंदे भारत ट्रेन लाएंगे, तो इनका बेनिफिट ये सारे जो रेल स्टॉक्स हैं इनको मिलेगा। रेल IRFC जो है, रेल फाइनेंस कंपनी है, अगर आप देखें किसी को भी प्रोजेक्ट मिले, फाइनेंसिंग तो वहीं से जाने वाला है। ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया है जहाँ पे जो फाइनेंस है, पहले ये बजट के थ्रू आते थे, अब इनके लिए चाहे आप रेलवे के लिए IRFC हो, हाउसिंग के लिए हुडको हो, रिन्यूएबल्स के लिए IRDA हो, तो ये कंपनी स्पेसिफिकली बना दिए गए हैं कि इनको फाइनेंसिंग देना है। तो उसका कारण पूरा काम ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज करें, ना कि गवर्नमेंट अपने बजट में करे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बहुत अपॉर्चुनिटीज है। शॉर्ट टर्म में जो लास्ट एक हफ्ते में जो हमने बढ़त देखी है, डेफिनेटली एक थोड़ा सा कॉशियसनेस होता है कि आप नया निवेश ना करें इस लेवल पर। अगर आप है, आपके पास शेयर्स है तो बने रहें, बट कोई भी अगर डिप मिले, बिकॉज अगर मार्केट में ग्लोबल वोलेटिलिटी की वजह से अगर कुछ भी डिप आता है, तब आप इसे अपने पोर्टफोलियोज में एड डेफिनेटली करें। पोलियो में जरूर आप ऐड करके चलें, ये आपके लिए सलाह आ रही है। IRFC इस पर रखनी है आपको नजर, ये काउंटर भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं, और बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स तो कमाल कर ही रहे हैं। चलिए, बढ़िया एक्शन इस समय बाजार में बना हुआ है।